Hello friends, welcome to Let's Tute. My name is Nirav Doshi. Last session में हमने सीखा था कि how to view various GST reports और ये session में हम सीखेंगे कि how to create a stock item and how to make changes in tax rate of stock. तो चलिए शुरू करते हैं इस session के साथ. अगर आपको stock item create करना हो तो आप inventory info पे enter key press करें. उसके बाद stock item पे enter key press करें. उसके बाद क्रिएट ऑप्शन पे एंटर प्रेस करें और यहां पे आपका वो स्टॉक का नाम टाइप करें. से फॉर एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग अ स्टॉक ऑफ बैटरीज. सो ये स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे अंडर अदर्स. उसके बाद यूनिट्स में हम ये नंबर्स पे एंटर करें. उसके बाद एंटर प्रेस करें और जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल ऑप्शन पे एंटर प्रेस करें. उसके बाद सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स पे यस टाइप करें. आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और डिस्क्रिप्शन में आप अपने स्टॉक आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो. और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम का एचएसएन कोड, से फॉर एग्जाम्पल इट इज 8507-2000. उसके बाद एंटर की प्रेस करें और यहाँ पे आपको वो टैक्स डिटेल्स पे लेके जाएगा और वो पूछेगा कि कैलकुलेशन टाइप इज ऑन वैल्यू और आइटम रेट. तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑन वैल्यू. और अगर आपका ये स्टॉक आइटम अगर टैक्सेबल है तो आप टैक्सेबल ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करें. अगर निल रेटेड रहेगा तो निल रेटेड पे करिए. अगर एग्जेम्प्ट रहेगा तो एग्जेम्प्ट पे एंटर की प्रेस करें. हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं वो टैक्सेबल है तो हम टैक्सेबल ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं. और से फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक आइटम का रेट इज 28%, तो हम ये यहाँ पे 28 टाइप करेंगे. उसके बाद प्रेस एंटर. एंटर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल दीजिए. प्रेस एंटर और प्रेस कंट्रोल ए टू एक्सेप्ट द अदर डिफॉल्ट ऑप्शंस. अगर सपोज गवर्नमेंट का कुछ नोटिफिकेशन आ गया कि से फ्रॉम 1st December 2020 द जीएसटी रेट ऑफ बैटरीज विल गेट रिड्यूस टू 18%, तो देन आपको वापस नया स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करना पड़ेगा. आप वही स्टॉक आइटम को ऑल्टर कर सकते हो. सो इन ऑर्डर टू ऑल्टर द स्टॉक आइटम विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, आप इन्वेंटरी इन्फो पे एंटर प्रेस करें. उसके बाद स्टॉक आइटम पे एंटर की प्रेस करें. उसके बाद ऑल्टर ऑप्शन पे एंटर करें. जैसे कि हमने बताया कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि बैटरीज का रेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है टू 18%, तो हम बैटरीज के लेजर पे एंटर की प्रेस करें. उसके बाद हम स्ट्रेट अवे यहां पे जाते हैं, सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स पे यस टाइप करें. आप देख सकते हो आपके राइट हैंड साइड में टैक्स रेट हिस्ट्री का एक ऑप्शन हाईलाइट किया हुआ रहेगा. आप उसे क्लिक करें और यहां पे डाउन की प्रेस करें और यहां पे आप 1st December टाइप कर दीजिए, क्योंकि आपके बैटरी का जीएसटी रेट्स 1st December से चेंज हुआ है. और वापिस से आप वो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो. HSN कोड विल रिमेन द सेम 8507-2000. उसके बाद एंटर 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 प्रेस कीजिए. यहाँ पे सेट और ऑल्टर टैक्स डिफॉल्ट डिटेल्स में बाई डिफॉल्ट ईएस का ऑप्शन रहेगा. आप एंटर प्रेस करें और यहाँ पे आप 18 टाइप कर दीजिए. आप देख सकते हो कि सेंट्रल और स्टेट का ऑटोमेटिकली टैली ने 99% डिवाइड कर लिया. प्रेस कंट्रोल ए टू एक्सेप्ट और एक बार वापिस कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए और एक बार एंड फॉर द लास्ट टाइम. सो इन दिस वे वी हैव चेंज द जीएसटी रेट एज वेल. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे कि हाउ टू डू बैंक रिकंसिलिएशन फ्रॉम टैली. थैंक यू.